Hi guys, welcome back to 3KTM Vlogs. Namaste and Sat Sri Akal to all of you. Hope आप सब बहुत ही अच्छे से होंगे, प्यार से होंगे. तो दिन की शुरुआत तो हो चुकी है, तो मैं नहा धो के फ्रेश होके रेडी हो गई हूँ और टिया को उठाने की जद्दोजहद चल रही है. तो सारे कोशिश कर रहे हैं कि टिया को उठाने की, और अभी इसके दादू आए हैं, इसके दादू भी लगे हुए हैं उठाने. तो दिखाती हूँ आपको कैसे क्या कर रही है ये. और ड्रामेबाज तो बहुत बढ़िया है हमारी टिया. तो बस मैंने उठ के सुबह गर्म पानी पिया है उठ के, बस. तो अब चलती हूँ टिया के पास लेके आपको. तो चलते हैं टिया के पास, चलते हैं, दिखाती हूँ आपको. जान के पता चल गया दादू को, पता चल गया दादू ढूंढ लिया तेरे को. अब तो पता चल गया दादू को, तू सोई नहीं हुई, उठी हुई है. फिर किस बात के ड्रामे हो रहे हैं? किस बात के ड्रामे हो रहे हैं टिया? खरगोश ले आया, खरगोश के लिए खरगोश, खरगोश खेलना, रैबिट कर खेलना, वो देख ले आया हूँ मैं. अब हंसने लग गई है. अगर वो चाहिए, रैबिट चाहिए, तो दादू को हगी कर दो. चलो जाओ भाई, मैं ऐसे लूंगा, मैं आके बंद करूँ. उधर रूम में मैं तो देख भी आई हूँ खरगोश. आ जाएगी अपने आप, आ जाएगी. ठीक है, इसको मत दिखाओ फिर. अब वो आएगी ना, उसको दे देना. दे दे आबू को, उसके खिलौने सारे उठा लो, मानू को दे देंगे. कहाँ पड़े हैं? टेंट हाउस दे देते हैं. उसे सैकली है ना, वो दे दी है, मानू को दे दी है. क्या ले लेगी? सैकल ऊपर बड़ी लोगों के, आज लोगों के हैं, जैसे मानू ले जाएगा फिर. आजा मानू भी ले, बस और ही आता रहेगा, है ना? आजा आजा, हमने नहीं लाने, बस एक बार आ गया जो आगे, एक बार आ गया जो आ गया, उसके बाद नहीं आना. आज है ब्रेकफास्ट में मूली की सब्जी विथ पराठा, कर्ड एंड टी. बस ब्रेकफास्ट कर रहे हैं सारे के सारे, और टिया भी साथ में करेगी. हाय गाइस, बैक टू माय चैनल लिली का टिया व्लॉग. नमस्ते एंड कल तलफियो. हम खाना खा लिया, फिर हम जाएंगे नानी घर, फिर तैयार होंगे, फिर आ जाएंगे, फिर लोग बनाएंगे, फिर मम्मा करेंगे, फिर पापा करेंगे, फिर मेरा भैया करेंगे. मैं सोनी ऊपर कहीं नीचे हो जाओ तो. मम्मा ज्यादा बिछा रही है, ये देखो ये कैसे कर रही है तरादम. ये इसमें क्या बना हुआ है, ये कौन है? दोनों आबू और मानू है. टिया कहाँ है इसमें? टिया तो दिख नहीं रही. ये टिया है, डॉट है क्या टिया? ये आबू मानू है, क्या कर रहे हैं दोनों? आव्य के बाल खींच रहा है मानो. अच्छा ठीक है. टिया क्या कर रही है? गंद मचा रही है टिया, गंदी मचाएगी, है ना? चलो जाके वो वाला कुशन रख के आओ वहां पे, और वो सीधा करके आओ पिल्लो, पिल्लो सीधा करके आओ. वो वाला उल्टा है ना, सीधा करके आओ जाओ. हाँ इसको सीधा करके आओ जाओ, पहले उसको सीधा करके आओ जाओ. हाँ पहले इसको पिल्लो को सीधा कर, पिल्लो को. हाँ ऐसे
करो इसको सीधा करके रख दो। ओटिया पता नहीं कहाँ छुपी पड़ी है, देखते हैं कहाँ छुपी पड़ी है। टिया यहाँ भी नहीं दिख रही, यहाँ भी नहीं दिख रही। अरे ये कौन चुहा है, ये कौन चुहा। तो टिया को नहलाने के बाद मैंने इसको कर दिया रेडी, क्योंकि ये कह रही थी कि आज इसके ना ब्रदर सिस्टर ने आना है। अभी बोल रही है मानू कब आएगा, आव्या कब आएगी, तो इवनिंग में आने वाला है दोनों के दोनों, तो तीनों मिल गए फिर यहाँ मस्ती करेंगे। ये देखो फिर से क्या, हाँ वो इवनिंग में आएगी, मानू भी इवनिंग में आएगा। तो टिया का तो बस वेट हो रहा है कि कब मानू और आव्या आए और मैं इनके साथ खेलूँ दोनों के साथ मिलके, क्योंकि बच्चे बच्चे तो आपस में मिलके वैसे ही बड़े खुश होते हैं, मस्ती भी पूरे करते हैं। तो बस टिया की वेट चल रही है कि जल्दी से वो आए दोनों और हम खेलें। खेलना तो क्या ही है, लड़ेंगे दोनों बैठ के, तीनों की तीनों लड़ेंगे और क्या करेंगे। तो अभी तो ये किचन सेट के साथ लगी पड़ी है अपने, एज यू कैन सी किचन सेट के साथ लगी पड़ी है मैडम। अच्छा मानो और आव्या आएंगे तो क्या करोगे आप, उनके साथ टेंट हाउस दिखाओगे उनको, आप लड़ोगे तो नहीं उसके साथ पक्का। अच्छा कल क्या है बताओ, कल फर्स्ट डे है। फर्स्ट डे नहीं, कल क्या है, राखी। किसको राखी बांधोगे आप? अरे कल राखी थोड़ी है, राखी तो होगी है। अरे वो तो आपकी स्कूल में हुई है, वैसे रक्षाबंधन तो कल है ना, कल आप मानो को राखी नहीं बांधोगे? मैं बांधूंगी। आप उसके लिए राखी ले आयो। कैसी है? अच्छी। अच्छी है राखी, अपनी पसंद से लेके आए हो। मानू के लिए लाई है टिया शिंचन वाली राखी लाई है स्पेशली, और आव्या के लिए ब्रेसलेट लाई है, दोनों को देगी है ना, देगी। अच्छा ठीक है। आव्या कावा है। क्या? आव्या कावा है। आव्या कावा है? हाँ। अच्छा आव्या कावा है। आप अपने किचन सेट के साथ खेलो ना। नहीं मम्मा। खेलो ना, इतनी बड़ी ड्रामेबाज हो गई है ना लड़की। आपने देखा होगा कि मैं ना फोन रख के चली गई तो अपने आप ही व्लॉग शूट करने में लगी हुई है। मैडम कैसे इसने व्लॉग शूट करा देखा ही होगा आपने स्टार्टिंग में, कैसे मैडम लगी पड़ी थी व्लॉग शूट करने में। तो वैसे तो मुझे देखती रहती है कि कैसे मम्मा व्लॉग शूट करती है, तो कोशिश करती है मैं भी करूँ। तो आंटी वाली क्लिप तो मैंने नहीं डाली, आंटी वाली क्लिप इससे ब्लॉग शूट किया था वर्टिकल में, तो वर्टिकल वाली क्लिप मैंने वो डिलीट कर दिया है, क्योंकि उसमें इससे आंटी को देखा ये देखो आंटी क्या कर रही है, आंटी सफाई कर रही है, ऐसे ऐसे करके बोल रही थी मैडम। टिया ने आज ब्लॉग शूट किया था। मजा आया था ब्लॉग शूट करने में? नहीं। ब्लॉग क्यों शूट कर रहे थे फिर आप? तो कल इसके स्कूल में रक्षाबंधन का सेलिब्रेशन भी हुआ था, राखी बांध के आई है और वो लेके आई है चॉकलेट, लेके आई थी एक मैडम अपने बैग में। अब तो ये बस ये दिन में इसका एक नया लगा रहता है काफी दिन से कि आटा लेना है इसने और खेलना है, उसके साथ खेलती रहेगी फिर सूख जाता है। ये पैर पे नहीं लगाते, बस कहेगी मैम मम्मा मुझे आटा दे दो, बस ऐसे ही इसका चलता रहता है मैडम का। और आज वैसे ही संडे है तो बस संडे बना रही है टिया हमारी। टिया स्कूल जाना है? नहीं। स्कूल जाना अच्छा लगता है आपको? करिए नहीं। तो टिया के ब्रदर और सिस्टर मानू और आएंगे दोनों के दोनों, तो टिया फिर उनके साथ ब्लॉग शूट करेगी टिया उनके साथ ब्लॉग शूट। हाँ, मस्ती करेगी उनके साथ पक्का, मानना नहीं है दोनों को, लड़ना नहीं है ठीक है, शेयरिंग करनी है, टॉयज देना आप उनको ठीक है, ठीक है ना। आप बिग सिस्टर हो ना, हाँ डॉल देने ना, आप उनकी बिग सिस्टर हो ना ठीक है ना, दोगे ना? हाँ देते हैं, शेयरिंग इज केयरिंग, शेयरिंग इज केयरिंग, हाँ वेरी गुड। इसी के साथ ही आज का ये व्लॉग होता है यहीं पर एंड, होप आपने आज का व्लॉग एंजॉय किया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिलिका टिया व्लॉग्स, जल्दी मिलते हैं नए व्लॉग के साथ, चल देन बाय बाय। अच्छा टिया कह रही है मैंने एंडिंग करनी है, टडा टडा।